1 जून को होने वाला चुनाव श्री नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। 10 वर्षों के अंदर भारत को आगे बढ़ाने का जिन्होंने काम किया, दुनिया के अंदर ताकतवर राष्ट्र बनाने का जिन्होंने काम किया, जिन्होंने भारत की सामरिक शक्ति को मजबूत किया, गरीब कल्याण के माध्यम से करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर किया, जिन्होंने लक्ष्य रखा है भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने का, मोदी जी ने तय किया है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, इसलिए देश की जनता मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। दूसरी ओर वो ताकतें हैं जो परिवारवाद को बढ़ाना चाहती हैं, जो अपने परिवारों के लिए स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, इंडी गठबंधन के नाम से जो सनातन को समाप्त करने के लिए लड़ रही हैं, जिन्होंने और सनातन को डेंगू मलेरिया और मच्छर के नाम से उद्धृत किया। दूसरी ओर वो ताकते हैं जो भारत के टुकड़े टुकड़े होने वाले इस प्रकार के लोगों के साथ खड़े हैं, जिन्होंने JNU के अंदर उद्घोष किया था भारत टेढ़े टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह। ऐसे लोगों के साथ खड़ी भी ताकतें मोदी जी के सामने खड़ी हैं। मोदी जी और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जिन्होंने श्री राम जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर बनाकर भारत की आत्मा को पुनर्जागृत किया, भारत के स्वाभिमान को जागृत किया, भारत की संस्कृति का उजागरण किया। दूसरी ओर वो ताकते हैं जो राम मंदिर को ताला लगाना चाहती हैं। हिमाचल की जनता, देश की जनता नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ खड़ी हुई है और परिणाम भी 4 तारीख को मोदी जी 400 पार का लक्ष्य करेंगे और हिमाचल में 4 की 4 सीटें पार्लियामेंट की और 6 की 6 सीटें असेंबली के बाई इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा हिमाचल की जनता ने मन बनाया है।